Notification volume 0%. Variant Grant. Variant. Variant Chip. Variant Glenn. Variant Rock. Variant Bobby. Variant Jelly. Variant Reed. आप चाहो तो इन जैसे आवाज़ों से अपना पूरा डॉक्यूमेंट पढ़वा सकते हो, अपने पिच, अपने इन्फ्लुएंशन, अपने रेट के हिसाब से, अपने वॉल्यूम में। स्वागत है आपका अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में। आज हम बात करने वाले हैं आप किस तरह आप NVDA के वॉइसेस के सेटिंग्स देख सकते हो, अपने वॉइसेस बदल सकते हो, सिंथेसाइजर्स को चेंज कर सकते हो, वोकलाइजर सिंथेसाइजर होता क्या है और इनके सेटिंग्स कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप अगर कोई अनाउंसमेंट कराना चाहते हो या फिर अपना वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हो या फिर कोई PDF पढ़ना चाहते हो जिसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको कोई सुना के पढ़ दे, तो इन चीज़ों के लिए आप NVDA का यूज़ कर सकते हो। और ब्लाइंड पर्सन इसी से आप अपना डॉक्यूमेंट या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज देखेंगे बेसिकली वॉइस सेटिंग्स डायलॉग और सिंथेसाइजर सेटिंग्स डायलॉग। तो हम लोग देखेंगे वोकलाइजर क्या होता है, सिंथेसाइजर क्या होता है, उसको चेंजेस कैसे करते हैं। तो पहले आपको लॉन्ग कट मेथड बताता हूँ, उसका शॉर्टकट भी बताऊँगा जो कि आपके की स्ट्रोक से हो जाएंगे। तो लॉन्ग कट आपको पता होना चाहिए कैसे क्या हुआ है। तो मैं खोल रहा हूँ NVDA मेन्यू, यहाँ पे NVDA मेन्यू डाउन एरो किया, इंसर्ट प्लस एन किया तो NVDA मेन्यू खुला। अब मैं डाउन एरो कर रहा हूँ, प्रेफरेंसेस सब मेन्यू डी, राइट एरो प्रेस किया, सेटिंग्स, सेटिंग्स में इंटर किया, NVDA सेटिंग्स कोलन। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल टैब पेजेस होते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस टैब करके टैब पेजेस पे मूव कर रहा हूँ। और दूसरा ही ऑप्शन है आपका स्पीच, तो मैं कंट्रोल टैब किया, स्पीच पे आ गया। अब मैं यहाँ पे टैब कर रहा हूँ ओनली, यहाँ पे बताया कि सिंथेसाइजर मेरा ETI Eloquent है, अगर मुझे चेंज करना है तो टाइप किया मैंने, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे मेरे सिंथेसाइजर्स हैं जो कि ESP है, ETI Eloquent, Microsoft API version 5, मैं इसको ETI Eloquent में जाने देता हूँ फिलहाल। और मैं यहाँ पे कोई भी जगह पे इंटर कर दूंगा तो ये मेरा सिंथेसाइजर हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि मुझे अगर वोकलाइजर वगैरह चेंज करना हो, वॉइसेस वगैरह चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सिंथेसाइजर बेसिकली आपका होता क्या है, देखिए बहुत सारे वोकलाइजर्स या बहुत सारे वॉइसेस का एक ग्रुप को ही सिंथेसाइजर कहते हैं। जितने आपने अभी देखे ना ETI Eloquent, माइक्रोसॉफ्ट API 5, या आपने देखा ESP या ओली Eloquent, ये सब बेसिकली आपके सिंथेसाइजर्स थे, जिसका मतलब है इसमें बहुत सारे आवाज़ें हैं। अभी आपने जो आवाज़ें शुरू में सुना था वो आपके ETI Eloquent के कुछ आवाज़ों यानी वॉइसेस थे, जिसको वेरियंट नाम दिया गया, उसी के वॉइसेस के कुछ वेरियंट्स थे। तो अभी हम देखते हैं कि वॉइसेस कैसे जाएंगे, फिर से देखते हैं। मैंने NVDA मेन्यू खोला, NVDA menu. Down Preferences sub menu. Right edo. Settings S. Enter. NVDA settings colon general left parent normal configuration right parent. एक बार control tab किया. Speech 2 of 12. Speech 2 of हो गया। यहाँ पे बहुत सारे टैब पेजेस है लेकिन दूसरा पेजेस ये आपका स्पीच का है, उसी में टैब कर रहा हूँ। स्पीच प्रॉपर्टी पेज सिंथेसाइजर प्रूवेड सिंथेसाइजर एडिट रेड ओनली मल्टी लाइन मोड प्लस एस ETI डैश एल ऑफ चेंज बट मोड। मैंने पिछले बार इसी ऑप्शन में गया था लेकिन अब इसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। देखिए ये पे अपने लैंग्वेज चेंज करने का है, यहाँ पे आप चाहो तो US चाइनीज या स्पेनिश जो भी चाहो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। मैं इसको इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका रीड है, यहाँ पे आप बहुत सारे आवाजेज हैं क्योंकि ये Eloquent का सिंथेसाइजर है, Eloquent के सिंथेसाइजर्स में बहुत सारे आवाजेज हैं। मैं इसको रीड पे रहने देता हूँ। देखिए वॉइस रेट आपको समझना चाहिए, वॉइस रेट आपका ये होता है, सपोज आपने लिखा है माय नेम इज टॉम, तो माय नेम इज टॉम आपका बोलेगा कैसे, अगर रेट बढ़ा देंगे तो जल्दी सा बोल देगा, माय नेम इज टॉम जल्दी सा बोल दिया ना। अगर रेट मैं घटा देता हूँ तो उसी को बोलेगा My name is Tom. That means वो स्लो हो गया, ये आपका रेट है, ओके? Pitch colon slider 70 alt plus P. देखो ये है पिच, पिच आप ऐसे समझ लो जैसे हाई पिच या लो पिच जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ My name is Tom, एक बोल रहा हूँ My name is Tom, तो ये जो सेकेंड वाला मैंने बोला उसमें मैंने पिच बहुत हाई कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे टैब किया मैंने inflection, colon, slider 55 volt plus I. अब इन्फ्लेक्शन आप क्या होता है इसको समझो. इन्फ्लेक्शन होता है बेसिकली आप ऐसे कह लो कि समझने के लिए मैं बता दूँ, आप एक्सप्रेशन को इन्फ्लेक्शन बोल सकते हो. अगर मैं इसको कम कर दूंगा ना तो वो जीरो ऐसे बोलेगा, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा तो वो ऐसे बोलेगा 100. डैट मीन्स एक एक्सप्रेशन देगा. अगर आप लिखोगे माई नेम इज टॉम तो वो अगर इन्फ्लेक्शन अगर जीरो होगा तो वो बोलेगा माई नेम इज टॉम, मतलब उसके अंदर एक कोई एक्सप्रेशन नहीं है. और वही अगर 100 होगा तो वो बोलेगा माई नेम इज टॉम. डैट मीन्स एक एक्सप्रेशन आ रहा है. रेट वही होगा, वॉइस वही होगा, वॉल्यूम वही होगा, बट एक एक्सप्रेशन आएगा, वो आपका बेसिकली इन्फ्लेक्शन करेगा. आगे चलते हैं. तो ये आपका रेट हो गया, पिच हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया. देखिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आवाज. देखिए आवाज का स्तर क्या होगा, NVDA का वॉल्यूम यहाँ से हम लोग सेट करेंगे और आपका सिस्टम का वॉल्यूम अलग होता है. डैट मीन्स कि आप अपना स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का वॉल्यूम यहाँ से घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो. और जो गाने बज रहे हैं या फिर आप जो पीछे में जो वॉइसेस आते हैं, डैट मीन्स आप किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर आपके यूट्यूब पे कुछ चल रहा है, तो उसका जो सिस्टम वॉल्यूम है आप चाहो तो रन डायल बॉक्स पर SND VOL लिख कर इंटर करोगे, डायरेक्टली वॉल्यूम मिक्सर खुल जाएगा. अप एंड डाउन से आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो, वो आपका सिस्टम वॉल्यूम है. और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पे अप डाउन से मैं घटा बढ़ा के दिखा देता हूँ. 99, 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 99
चाहिए। Enable, ये बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट एडॉन्स अगर आप अपने इंस्टॉल किया है तो आते हैं, नहीं तो बेसिकली आप उसको कुछ ना करें तो भी आपका चलेगा। ये जो चार पांच चीज़ जो मैंने ऊपर बताए हैं वो आपको मैटर करता है। ध्यान रखें इसमें आप लैंग्वेज टॉगल ना करें, अगर लैंग्वेज एक बार अगर चेंज हो जाता है तो आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे अब मान लो कि मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया या फिर पिच ख़राब कर दिया, रेट बहुत ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा तेज कर दिया, तो मैं कैसे ठीक करूँगा सब बताता हूँ। इंटर किया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, ये शॉर्टकट है Microsoft Speech API ETI SpeakNG। या इसमें आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हैं। Microsoft Speech API ETI SpeakNG। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी में चला जाता हूँ। Document to text। ठीक है, अब यहाँ पे मैं Voice Settings डायलॉग कैसे आएगा? तो उसके लिए Insert Control V। NVDA settings : Speech left parent, normal configuration right parent, dialog, speech property page, synthesizer grouping, synthesizer edit red on। देखिए ये वही वाला पेज आ गया डायरेक्ट जहाँ पे हम लोग वॉइस और वॉल्यूम पिच ये सब जो तय किए थे ना वही वही वाला पेज आ गया। इसका शॉर्ट कमांड है इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ये मैं टैप टैप से जा रहा हूँ, आप इसको सेट कर सकते हो अप एंड डाउन से। वो पहले गया था और अभी गया, दोनों सेम चीज़ है। पहले मैं NVDA मेन्यू में गया, फिर प्रेफरेंसेज में गया, फिर सेटिंग्स में गया, फिर कंट्रोल टैप किया तो आपका स्पीच आया वहाँ पे टैप टैप करके, यही है जो खुला हुआ है। और मैं इसको डायरेक्टली खोल सकता हूँ इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी से। ठीक है, जबकि सिंथेसाइजर अगर खोलना है डायरेक्टली मुझे तो इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस से। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर में भी सिंथेसाइजर का ऑप्शन है, चेंज बटन पर जाके मैं वहीं पे जा सकता हूँ जहाँ पे इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस से अभी अभी गया था। ये तो दो शॉर्टकट हो गए, अब यहाँ पे मैं एस्केप कर रहा हूँ। एक और बहुत ज़्यादा अच्छा है शॉर्टकट है, उसको कहते हैं वॉइस सिंक सेटिंग्स। क्या बोलते हैं? वॉइस सिंक सेटिंग्स। टू मूव ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ वॉइस सिंक सेटिंग्स, इसकी कमांड है आपका इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट एरो। आप लेफ्ट एरो भी प्रेस कर सकते हो, राइट एरो भी प्रेस कर सकते हो, तो आप वॉइस सिंक सेटिंग्स के आइटम्स पे मूव करोगे। इसलिए मैंने बोला टू मूव ऑन वॉइस सिंक सेटिंग्स आइटम्स। देखते हैं, इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। Voice America English, enable backward voice tags off, volume 100, inflection 30।
ठीक है, तो ये सारे आपके इंसर्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से आ गया। लेकिन ये सब में जाने से फ़ायदा क्या है? तो आप इसको डायरेक्ट आप की स्ट्रोक से भी एडजस्ट कर सकते हो। इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंड राइट एरो से आप जिसको एडजस्ट करना चाहते हो उस पर जाओ, फिर उंगली उठा दो, फिर से इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप एंड डाउन एरो से उसको एडजस्ट कर दो। मैं अभी आपको रेट एडजस्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं माई नेम इज टॉम पे हूँ, रेट 30 बोल रहा है। मैं यहाँ पे इंसर्ट कंट्रोल दबा के लेफ्ट एंड राइट एरो से रेट पे गया। अब इंसर्ट कंट्रोल दबा के रखा हूँ और अप एंड डाउन एरो कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा रेट हो गया, देखते हैं क्या बोलता है। My name is Tom, बहुत जल्दी से बोल दिया, अब मुझे स्लो करना है। My name is Tom. Okay, आप रेट समझ गए होंगे कि क्या होता है। पिच देख लेते हैं, पिच 65. पिच को भी देख लेते हैं आगे करके। ठीक है, अब मैं पिच को 0 कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। I hope आप समझ रहे होंगे। मैं इसको वापस से 65 कर देता हूँ। अब देखते हैं। Inflection 30. Inflection को अगर 0 करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मशीन बोल रहा है। Inflection 0. My name is Tom. My name is Tom. कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसमें, ओके? अब मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ। इंसर्ट कंट्रोल प्लस अप एंड डाउन एरो करके मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए इसमें एक्सप्रेशन आ गया, तो ये आपका इन्फ्लेक्शन है। मैं वापस इसको भी मैं वापस से 60 पे आ गया। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।